सिंध का पानी रोकने के खिलाफ सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी की मुजम्मत करारदाद पेश की गई। तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पर सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल गुस्से में आ गए। अपनी नशस्त से उठकर तहरीक इंसाफ के रुकन अली जीजी की तरफ बढ़े, मगर हुकूमती अरकान ने बीच बचाव कराया। राना जावेद की रिपोर्ट। सिंध का जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में घुसेंगे, सिंध के पानी का खाएगा उनके घरों में घुसेंगे। ऐसी जबान के पार्लियामानी जबान मुंह देखती रह गई। ये माजरा है सिंध असेंबली का, जहां सूबाई वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल ने सिंध का पानी रोकने के खिलाफ करारदाद पेश की। इसकी हिमायत में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरियार शर सामने आए तो तहरीक इंसाफ के अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगाए। पीटीआई के रहनुमा अली जीजी ने करारदाद को मस्तरद करते हुए कहा कि असल मसला सूबे को मिलने वाले पानी की गैर मुनसिफाना बंदर बांट है, जिसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की कयादत है। जिस तरीके से सिंध के अंदर पानी है, आपकी अपनी नालायकी है, आपकी अपनी चोरी है कि आपने अपने लोगों को सिंध आवाम का जो पानी था अपने लोगों की जमीनों में दे दिया हुआ सर, सारा बंजर दूसरी जमीनें कर दी। आज ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हटा दें तो सर सिंध को पानी मिले। अली जीजी के इल्जाम पर सुहेल अनवर सियाल आपे से बाहर हो गए। इससे पहले के नौबत हाथापाई तक पहुंचती पीपल्स पार्टी के अरकान ने बीच बचाव करा दिया। गर्मा गर्म बहस के बाद करारदाद मंजूर कर ली गई। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची। प्लीज नो आर्गुमेंट।